राधा, राधा कहाँ ध्यान है तुम्हारा? राधा, क्या बात है राधा? मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हे नारायण, मेरे पति मुझे पुकार रहे थे और मैं कृष्ण की बांसुरी की धुन में खो गई थी। कृष्ण मुझे इस प्रकार सम्मोहित नहीं कर सकता, मैं उसे रोकूंगी। अयन, वो मैं अपने विचारों में मग्न हो गई थी, क्षमा करना। तुम कहो, क्या बोल रहे थे? तुम्हें कपास से गुरु वस्त्र भी बनाना है। तुम मेरे बालपन के मित्र हो अयन, इसलिए मैंने पहली ही रात्रि तुम्हें अपने मन की बात स्पष्ट कर दी थी। विश्वास किया था तुम पे, किंतु ये सब जानते हुए भी तुमने अपनी सीमा को लांघने का प्रयास किया, मेरे विश्वास को बहुत ठेस पहुंचाई है। इसलिए आज के पश्चात मैं तुम्हारे संग कोई कार्य नहीं कर पाऊंगी, मुझे क्षमा करना। नहीं राधा, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, क्षमा मैं मांगता हूँ तुमसे। न जाने मुझे क्या हो गया था, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा विश्वास खो चुका हूं राधा, किंतु मैं उसे पुनः अर्जित कर लूंगा। मुझे आवश्यकता है तो केवल एक और अवसर की। तो बोलो राधा, क्या तुम मुझे वो अवसर दोगे? ठीक है, मैं तुम्हें एक और अवसर देती हूँ। मुझे ऋषि दुर्वासा के प्रिय पुष्प लाने का कार्य मिला है। मैं कपास से वस्त्र बनाकर तुम्हारा कार्य पूर्ण करती हूँ, तुम उनके प्रिय पुष्प लाकर मेरा कार्य पूर्ण कर दो। परस्पर सकारात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए हमें एक दूसरे के काम में सहयोग करना होगा, है ना? तुमने ठीक कहा राधा, मैं भी जाकर पुष्प ले आता हूँ। देखो तो काम कौन चला रहा है वहां से। आप यहीं रुकिए, मैं देख के आता हूं। प्रणाम साधुदेव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ बताइए, कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बोलिए, भूख लगी है तो? अच्छा, आप मौनी बाबा हो, अर्थात आप तो कुछ बोलेंगे नहीं, है ना? अच्छा, आप इस ओर आए हैं, इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप यहाँ ऋषि दुर्वासा को ढूंढने आए हैं, सही कहा ना मैंने? दुर्वासा ऋषि वहां है, जाइए। नहीं, मैं जानता हूं आप मौनी बाबा है, मैंने आपका धन्यवाद सुन लिया, आइए। तो आप उन्हें देख नहीं पाएंगे महाशय। Thank you.
कहाँ है ऋषि दुर्वासा? कोई दिख क्यों नहीं रहा? कान्हा, साधु महाराज कुछ विचित्र से प्रतीत नहीं हो रहे? ये ठीक तो है, सामने ही हूँ, किंतु ये ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे इन्हें कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। ना वो आपको, ना मुझे, ना ऋषि दुर्वासा को ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। मैंने माया रची है। किंतु क्यों कान्हा? तुमने मुझे मूर्ख बनाया है कृष्ण। अब समझे, हमारे प्यारे मामा श्री ने भेजा है ये देखने के लिए कि मैं दोनों स्थान पे एक ही समय कैसे पहुंच गया, कैसे मैंने एक साथ ही राधा के प्राण भी बचाए और कैसे इनका तप भंग होने से भी बचा ली। ओ, तो मामा श्री को अब तक ये ज्ञात नहीं है कि मैं भी यही हूं। असंभव है ये। वो दुर्वासा ऋषि को तो यही होना चाहिए था, किंतु यहां तो कोई भी नहीं है। तो अर्थात अब तो और भी अधिक आनंद आने वाला है कान्हा। चलो इस आनंद का आरंभ करते हैं।